सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एम्स नॉर्सेट पेपर लीक पर न्यू अपडेट आ रही है। जो कैंडिडेट है वो अरेस्ट कर लिया है, एंड किस एग्ज़ाम सेंटर में ये पेपर लीक हुआ उसके रिगार्डिंग भी हम आपको बताएंगे, उसका भी पता लग गया है। सो सबसे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और भी जो लेटेस्ट न्यूज़ आएंगे आप सभी को इसी चैनल पर मिलेंगे। एंड जब भी रिजल्ट अनाउंस होगा नॉर्सेट 2023 एग्ज़ाम का, जब भी रिजल्ट अनाउंस होगा आप सभी को इसी चैनल पर सबसे पहले पता लगेगा। सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए, जब भी रिजल्ट अनाउंस होगा आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो सबसे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पढ़ते हैं आज की न्यूज़ क्या आ रही है नॉर्सेट पेपर लीक पर। तो एम्स फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ नर्सिंग कैंडिडेट। तो भाई जो नर्सिंग कैंडिडेट जिसने ये लीक किया था पेपर, तो उस पर भाई कंप्लेंट फाइल हो चुकी है। एंड अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट वेयर एग्ज़ाम वाज बीइंग हेल्ड ऑन 3rd June। तो भाई जो 3 June को जो एग्ज़ाम हुआ था वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसका भी पता लग गया, उस पर भी कंप्लेंट फाइल हो चुकी है। मैं आपको नाम भी बताऊंगा कैंडिडेट का क्या नाम है, एंड जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है कहां पर ये पेपर लीक हुआ वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आगे क्या है यहां पर लिखा हुआ, इन द कंप्लेंट फाइल विद CBI इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट। आप सबको पता होगा जो CBI इंक्वायरी कर रही थी इस पेपर लीक पर, एंड आगे तो कुछ नहीं है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन 5th June सम ट्वीट्स कम टू द एम्स नोटिस अबाउट लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो उनको 5 June को आप सभी को पता होगा जो ट्वीट्स थी वो वायरल हो रही थी, एंड एम्स को भी पता लग गया था जो पेपर लीक हो चुका है उसके क्वेश्चंस जो थे वो ऑनलाइन वायरल हो चुके थे आफ्टर एग्ज़ाम। एंड आगे तो कुछ नहीं है। यहाँ पर एक आर्टिकल में लिखा हुआ है, न्यू दिल्ली CBI हैज़ रजिस्टर्ड अ केस इन कनेक्शन विद द अलिस्ट लीक ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो जो क्वेश्चन पेपर हुआ था लीक, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 3rd June को, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट का नाम, तो मोहाली बेस्ड ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो इस इंस्टीट्यूट से जो एग्ज़ाम पेपर था वो लीक हुआ था, एंड इन्होंने यहाँ पर इंक्वायरी से इसका पता लगा लिया है CBI ने। तो मोहाली बेस्ड, ठीक है, मोहाली बेस्ड ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड वन रितु इन कनेक्शन विद द लिस्ट पेपर लीक। एंड आपको मैं कैंडिडेट के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है द एनालिसिस ऑफ स्क्रीन शॉट शोड द काउंसिल ऑफ कैंडिडेट्स नेम्ड रितु। तो भाई जो आप सभी को एक लड़की दिख रही थी तो उसका नाम रितु यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, एंड उस कैंडिडेट ने ये पेपर आगे लीक किया है। एंड यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट का नाम बताया हुआ है ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट, तो इन्होंने इस कैंडिडेट को अरेस्ट कर लिया है, एंड आगे इंक्वायरी चल रही है इस पर। एंड जो आगे की अपडेट होगी आप सभी को इसी चैनल पर प्रोवाइड मिलेगी। एंड आप सभी को पता लग गया होगा जो कैंडिडेट था नर्सिंग कैंडिडेट उसको अरेस्ट कर लिया है इन्होंने, रितु नाम का कैंडिडेट था। एंड यहाँ पर ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एग्ज़ाम सेंटर से ये पेपर लीक हुआ है। हालांकि जो एम्स वाले हैं वो अभी तक मान नहीं रहे कि भाई जो एम्स है वो जो नॉर्सेट का पेपर लीक हुआ है वो सभी कैंडिडेट्स तक पहुँचा है। उन्होंने माना है कि एक आधे कैंडिडेट ने लीक किया है उसको हमने पकड़ लिया है, ठीक है। तो वो ये नहीं मान रहे कि नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम पेपर था वो लीक हुआ है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई जो रिज़ल्ट था, रिज़ल्ट भी आगे जो उन्होंने डेट रखी हुई है उसी डेट को आएगा, एंड रिज़ल्ट भी लेट नहीं होगा रिज़ल्ट, एंड जो डेट उन्होंने रखी हुई है उसी डेट को रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। एंड जो पेपर था वो बोल रहे हैं लीक नहीं हुआ, एक आधा कैंडिडेट था उसको हमने पकड़ लिया। और जो आगे लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी रिजल्ट के रिलेटेड आप सभी को इसी चैनल पर मिलेंगी। सो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जब भी रिजल्ट अनाउंस होगा आप सभी को इसी चैनल पर प्रोवाइड मिलेगा। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लो, जब रिजल्ट अनाउंस होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।